MEC again, and today I'm going to tell about Delhi pattern. So let's start. And formula is subject plus has had got to plus verb ki first form plus object. Has have में वो sentence आएंगे जिसमें पढ़ता है और had में पढ़ता था और इसका negative है. Subject plus has have plus not plus has नहीं आएगा. Subject plus have plus not plus got to plus verb की first form plus object. फिर second had वाला subject plus had plus not plus got to plus verb की first form plus object. So पहला example है captain को strict होना होता है. Captain has got to be strict. And second है उसे खाना तैयार करने के लिए कब जागना पड़ता था. ये WH वाला है तो when has she got to awake for MEC a food. And third मुझे मम्मी के साथ टीवी सीरियल नहीं देखना पड़ता है. ये नेगेटिव. I have not got to watch TV serial with him. Understood all? No? Still. So, can I ask? Yes, ma'am. Bhumi. ठंड के मौसम में सभी को गर्म कपड़े पहनना पड़ता है. All. All have got to wear woolen clothes in winter. ठीक है. क्या बसंत को रोज दुकान जाना पड़ता है. पढ़ता है has have से बनेगा. have got to go to shop daily. आप बताइए क्या बताऊं. आपका नाम अमन. अमन को सारा दिन मोबाइल चलाना पड़ता था. अमन has पढ़ता था. अच्छा पढ़ता था. अमन है गोट टू चलाना ऑपरेट मोबाइल. आप बताइए रामलखन को वीडियो शूटिंग के लिए कोचिंग ऑन. रामलखन हैड गोट टू कम कोचिंग क्लास फोर वीडियो रिकॉर्डिंग. सर आप बताइए किसे अभी पूजा करना होता है. होता है उन्हें गॉड टू वर्शिप देवी. कीप वाचिंग MEC ज्ञान एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक शेयर. थैंक यू.